देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। बाईस से 31 जनवरी तक राज्य स्तरीय अभियान अंधकार से प्रकाश की ओर चलाया जा रहा है। उसी प्रकार जमात इस्लामी हिंद गोंदिया भंडारा की ओर से भंडारा शहर के मुस्लिम लाइब्रेरी कल्चरल हॉल में इस अभियान के तहत कार्यक्रम लिया गया। इस अभियान का उद्देश्य जीवन से अंधेरे को मिटाकर प्रकाश फैलाना है। जीवन के उद्देश्य, जीवन पद्धति और अंत के बारे में गंभीरता से सोचने का आग्रह करते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों को पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ भी दिया गया। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र 22 से 31 जनवरी जो अभियान चला रही है अंधकार से प्रकाश की ओर, तो इन 10 दिनों में 6 करोड़ से ज़्यादा महाराष्ट्र के भाई बहनों तक ये संदेश और ये बात पहुंचाना है कि अंधकार आते कहाँ से है और प्रकाश लाना कहाँ से। अंधकार आते हैं जीवन के मूल तत्व के 3 चीज़ों में अंधकार आने से। वो क्या है? एक तो है आस्था, दूसरे है विचार, तीसरे है आचार। अगर सत्य शुद्ध आस्था है तो सत्य शुद्ध विचार रहेंगे, सत्य शुद्ध आचार रहेंगे, और अगर भ्रष्ट और असत्य आस्था है तो भ्रष्ट और असत्य विचार भी होगा और भ्रष्ट आचार भी रहेगा और सारे जीवन के विभिन्न अंगों में भ्रष्टाचार रहेगा। और ये बात पहुंचाने के लिए जो सत्य मानव जाति को हम सबके निर्माता ने पवित्र कुरान से और मानव जाति के अंतिम प्रेषित मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुरूप दिया है, तो हम चाहते हैं कि ये 10 दिनों में 800 स्थानों पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए और हमारे जो लाखों सदस्य हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फोल्डर्स, होर्डिंग्स, बैनर्स और ऑटो बैनर्स और ऐसी जो चीज़ें हैं जिससे बात पहुंच सकती हो, मिलेंगे भी जाकर, फिर डिपार्टमेंट वालों से मिलेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट अधिकारी वर्ग, समविचारी मुस्लिम संगठना, समविचारी मुस्लिम इतर संगठना, उन सब के लोगों को भी साथ लेकर हम जो 800 ठिकान पर 6 करोड़ लोगों तक ये अपना संदेश पहुंचाएंगे। फिर जमात इस्लामी ने ये भी तय किया है कि 7 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ भी जिनमें अंधेरे आते हैं, एक तो शैक्षणिक व्यवस्था, दूसरी नैतिक व्यवस्था, तीसरी कौटुंबिक व्यवस्था, चौथी सामाजिक व्यवस्था, पांचवी आर्थिक व्यवस्था, छठी न्यायालयीन व्यवस्था, सातवीं प्रशासकीय व्यवस्था। तो इन सारी व्यवस्था में जो अंधेरे फैल जाते हैं वहाँ प्रकाश लाने की जरूरत है, वो भी ठीक से बताया जाएगा। और 5 महत्वपूर्ण मुद्दे कि निर्मिति के बारे में सत्य रहना चाहिए, आचार विचार आस्था और निर्माता के बारे में रहना चाहिए, जीवन के उद्देश्य के बारे में भी सत्य आस्था विचार आचार रहना चाहिए और जीवन मार्ग भी स्पष्ट रूप से प्रकाश का सामने रहना चाहिए, अंधकार के मार्ग से बचना चाहिए और जीवन का अंत मृत्यु वो स्पष्ट रूप से सामने रखकर उसके अनुरूप प्रकाश की ओर जाना और प्रकाश की ओर लाना चाहिए और सारी मानव जाति की सेवा और भाई बहन की तरह प्रेम करना चाहिए। तो ये सारे संदेश इन 10 दिनों में 22 से 31 जनवरी तक पेश किए जाने वाले ये है। वही कि इंसान अपने भाई को नहीं पहचान रहा है। हम ये कहते हैं कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, हम सब एक ही मालिक के बंदे हैं और मरने के बाद बराबर हमको जाकर हिसाब देना है। तो सारी दुनिया के लोग मेरे भाई बहन हो गए, तो मेरा बर्ताव उनके साथ भाई बहन के जैसा होना चाहिए। इसके अंदर कोई रंग, कोई भाषा, कोई धर्म, कोई जात या कोई देश नहीं आना चाहिए। सारे इंसान आपस में भाई भाई हैं, तो उनको भाई भाई बन के रहना चाहिए। लेकिन जब हम एक देशवासी हैं तो ये प्रेम और ज़्यादा हमारा जो है बढ़ना चाहिए। और ये जो गिरावट आ रही, जैसे पहले भी बलात्कार होते थे लेकिन जैसे आज पार्श्विक बलात्कार हो रहे हैं, तो वही हम जो बातें बता रहे हैं, इसके लिए हमने लिटरेचर पैदा किया है और इसके लिए हम इंटरेस्ट फ्री सोसाइटीज चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला जा रहे हैं और डायलॉग्स करते हैं हम इसके सिलसिले में। और हमारी जिंदगियों के अंदर हम ये बता रहे हैं कि हमारी जमात के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, कोई बलात्कारी नहीं है। अगर कोई और ऐसी पार्टी है तो हमको बताएं, कोई और अच्छा रास्ता है तो आप हमको बता सकते हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि मानव अपनी ज़िंदगी को समझे, खुदा को भी पहचाने और सोचे कि मरने के बाद उसका क्या होने वाला है। हम ये समझते हैं कि मरने के बाद सारे इंसानों को हिसाब देना है। अगर ऐसी जिम्मेदारी उसके अंदर आएगी तो उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ होगा।
यस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।